हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम बात करने वाले हैं पोको C65। हमारे पास फ़ोन है, इस फोन में जो प्रॉब्लम है इसमें FRP लगी हुई है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे, अगर आपके पास पोको C65 फ़ोन है, वो फ़ोन आपसे गलती से हार्ड रिसेट होता है, उसमें FRP लग जाती है, तो उसकी FRP आप किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं। तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। दोस्तों वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अपना फ़ोन वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है। तो मैं अपना फ़ोन दोस्तों वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसे आगे बढ़ाते हैं पैटर्न और गूगल अकाउंट मांगता है, इससे अगर फोन दोस्तों नहीं जाता। और इसमें जो वर्जन है वो MIUI 14 वर्जन दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ फ़ोन है। तो मैं दिखाता हूँ, ये दिस डिवाइस आर सेट टू कंटिन्यू, इससे आगे फोन दोस्तों नहीं जाता। यह आने वाला लिखा हुआ है, इसमें यह आ चुका, दिस डिवाइस आर सेट टू कंटिन्यू, इससे आगे फोन दोस्तों नहीं जाता। इसका मैं मॉडल नंबर दिखाता हूँ, ये पोको C65 फोन हमारे पास। तो आपको करने का अपना फोन बैक करना, तो मैं बैक कर लेता हूँ। और बैक करने वाले दोस्तों वाईफाई के सामने आना है, तो मैं जाता हूँ यहाँ से बैक कर लेता हूँ पहले। यहाँ से बैक करना, और बैक करना दोस्तों वाईफाई के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको ऐड नेटवर्क का। तो आपको यहाँ क्लिक करना है ऐड नेटवर्क पे, तो मैं कर लेता हूँ। और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इसके बाद आपको ऐड नेटवर्क नेम पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ बारकोड बन जाएगा साइड में, तो यहाँ क्लिक करना है बारकोड पे। इसके बाद आपको नीचे आना है, मोर सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ क्लिक करना है, तो मैं कर लेता हूँ। और यहाँ क्लिक करने बाद यहाँ सेटिंग के सामने एक ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना। इसके बाद कीबोर्ड आ जाएगा, सबसे शुरू का कीबोर्ड पर आपको क्लिक करना। इसके बाद यहाँ से शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, तो शेयर पर हमें क्लिक करना है। या जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ एक मैसेज का ऑप्शन आएगा, तो मैसेज जो हमें सेलेक्ट करने है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से मैसेज। इसके बाद न्यू मैसेज पे जाना, इसके बाद यहाँ से एक नंबर है 111, तो यहाँ से एक 111 नंबर आपको टाइप करना ऊपर, और नीचे जो भी इसे आ जाएगा इसे काट देना पहले। तो मैं काट लेता हूँ, और यहाँ लिखना है www.youtube.com, तो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ लिखना है www.youtube.com, यहाँ लिखना है, और इसे सेंड कर देना। और जैसे ही मैसेज सेंड करेंगे, मैसेज तो सेंड नहीं होने का, इससे एक लिंक बन जाएगा, फिर नीचे रिफ्रेश पे क्लिक करना। और जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, जो हमारे फ़ोन का यूट्यूब होता है वो खुल जाएगा। फिर यूट्यूब की सेटिंग में जाना है, तो मैं चला आता हूँ यहाँ से यूट्यूब की सेटिंग में। तो यहाँ से यूट्यूब की सेटिंग में जाना, फिर इसके बाद हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पर जाना है, तो मैं चला आता हूँ यहाँ। फिर यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विस पर क्लिक करना नीचे, तो मैं कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जो हमारे फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र होता है वो खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक साइड है जिसका नाम है BK स्मार्टफोन, तो आपको यहाँ टाइप करना है BK स्मार्टफोन, यहाँ लिखना ऊपर, तो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ BK स्मार्टफोन लिख के आपको सर्च करना है, ये सबसे शुरू की साइड आएगी BK स्मार्टफोन, उस पर आपको क्लिक करना। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, तो BK स्मार्टफोन लिखना है और लिख के आपको सर्च करना है, तो मैं कर लेता हूँ। और सबसे शुरू की साइड आएगी BK स्मार्टफोन.com वाली, इस पर आपको क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से। फिर गूगल अकाउंट बाईपास 2024 पर क्लिक करना, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारी जो फ़ोन की सेटिंग होती है वो खुल जाएगी। तो यहाँ से आपको 10 मिनट नंबर पर जाना है, यहाँ से ओपन सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे जो फ़ोन की सेटिंग होती है वो खुल जाएगी। मैं सबसे पहले इसका मॉडल नंबर दिखाता हूँ, ये पोको C65 फोन है, यहाँ से बैक करना। और बैक करना उसको जाना है एप्स वाले ऑप्शन पर, तो आपको यहाँ क्लिक करना है एप्स पर, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ एक दूसरे नंबर पे मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ क्लिक करना मैनेज ऐप्स पे। इसके बाद यहाँ फाइंड ऐप का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ क्लिक करना। जैसे ही मैं क्लिक करेंगे, जो हमारे फ़ोन का गेट ऐप होता है वो खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ ऊपर क्लिक करना स्किप पे, तो मैं कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ से यहाँ हमारे ये खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ सर्च में जाना, और सर्च में लिखना है एक्टिविटी लॉन्चर, तो मैं लिख लेता हूँ एक्टिविटी लॉन्चर, यहाँ लिखना है और लिख के आपको सर्च करना, तो मैं कर लेता हूँ इसे। और जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ एक्टिविटी लॉन्चर एप्लीकेशन आ जाएगी, सबसे ऊपर ही आ चुकी है। इसे यहाँ से इंस्टॉल करना, तो मैं कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो चुकी है, तो यहाँ से इसे ओपन करना, तो मैं कर लेता हूँ। ये ओपन हो रही है हमारी एप्लीकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये एप्लीकेशन हमारी ओपन हो गई। इसे करने का आपको सर्च में जाना ऊपर, तो मैं चला आता हूँ। सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है स्पेस, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्पेस। स्पेस लिख के आपको एक बार यहाँ सर्च वाला ऑप्शन नहीं दबाना, आपको यहाँ जहाँ इंग्लिश लिखा रहता है स्पेस वाला बटन है, ये दबाना, तो मैं दबा लेता हूँ। जैसे मैं ये दबाएंगे स्पेस, तो यहाँ फिंगरप्रिंट सेकंड स्पेस आ जाएगा, तो मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ लिखना आपको स्पेस, स्पेस लिख के आपको स्पेस दबाना। जैसे मैं स्पेस दबाएंगे तो यहाँ जाएगा सेकंड स्पेस फिंगरप्रिंट, तो आपको यहाँ क्लिक करना। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ आपको फिर यहाँ स्किप पे क्लिक करना। तो जैसे मैं यहाँ स्किप पे क्लिक करेंगे, जो हमारा फ़ोन है बिल्कुल यहाँ से FRP जो है लगी हुई है इसमें, बिल्कुल यहाँ से बाईपास हो जाएगी। तो आप भी अपना फ़ोन इस तरीके जो FRP बाईपास कर सकते हैं। अगर आपका आपके पास पोको C65 फ़ोन है, वो फ़ोन गलती से हार्ड रिसेट होता है, उसमें FRP लग जाती है, तो उसकी FRP आप इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो, आपका दिन शुभ हो।